हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप सब मेरे जो मिनी ब्लॉग है रेसिपी का, वो इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। ऐसे ही आप सब साथ रहिएगा मेरा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्मी अनिशिका की लाइफ में आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। क्या मैं आप लोगों को पहचान में नहीं आ रही हूँ? अरे मैं लक्ष्मी ही हूँ, बट थोड़ा सा काली हो गई हूँ क्योंकि हाँ, मैं उतना ज़्यादा गोरी भी नहीं हूँ, थोड़ा सांवली हूँ, बट अब थोड़ा ज़्यादा काली हो गई हूँ क्योंकि धूप की वजह से। धूप मामा ने एकदम मेरा चेहरा निखार दिया है। अब क्या ही कर सकते हैं, मामा को थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा है हम पर, अब ऐसा ही चलेगा। पता नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। खूब सारा पानी पीजिए, खूब सारा नींबू पानी पीजिए और अपने बॉडी को हाइड्रेट रखिए, अपने फेस को भी हाइड्रेट रखिए, हेयर को भी अच्छा से केयर लीजिए, है ना? तो चलिए मेरे साथ आज का रूटीन आप लोगों को दिखाती हूँ। आज मेरा क्या क्या रूटीन है आप लोगों को दिखाती हूँ। और हाँ, वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेहंदी लगा लिया है और मेहंदी लगाने के बाद ड्राइनेस नहीं रहने के लिए उसमें मैंने अनियन डाला है, एलोवेरा जेल डाला है और बहुत कुछ डाला है। तो अगर आप घर में ही घर के चीज़ें ही आप इस्तेमाल करोगे ना, तो आपका हेयर कभी भी ड्राई नहीं होगा। हल्का सा होगा, बट आप को उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, है ना? तो मैंने लगा लिया है। और इस मेहंदी के बारे में मैं गारंटी दे सकूंगी, ये बहुत ही प्योर है। देखिए मेरा हाथ से ही पता लग रहा है, कैमरा में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया है, दोनों हाथ मेरा मेहंदी का कलर आ गया है ना, देखिए। इसका मतलब ये प्योर है और बाकी मेहंदियों में मैं भरोसा नहीं कर सकती। इस पर पूरा एकदम आग बन के मेरा भरोसा है। तो लगा लिया है, अब करूँगी आराम से काम। देन उसके बाद काम वाम ख़त्म होने के बाद नहाऊँगी। और इस मेहंदी का अगर आप लोगों को नाम चाहिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखा था और ये बारिश ना इतना ज़्यादा राहत दे रहा है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब मैं आराम से काम वाम सब कर लूँगी। की कोर्चो तुम्हें ये राम राम। देखिए इशिका को, बदमाशी देखिए इसका। कार्टून चल रहा है ऊपर और वो नीचे आ गई है। और चलिए मैं दिखाती हूँ मैं क्या 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 कर रही हूँ। तो यहाँ पे बन रहा है मेरा आलू पोस्तो, मतलब झीका पोस्तो, आलू पोस्तो और झीका पोस्तो, माय फेवरेट एज ऑलवेज झीका पोस्तो। मुझे झीका पोस्तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लगभग झीका पोस्तो में पानी डालने का टाइम हो गया है। इधर राइस चढ़ा हुआ है, सारा कुछ मैसी है, तो थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। भेज में एकदम बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए, वेज का एकदम बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए झीका पोस्तो, आलू पोस्तो। आई जस्ट लव इट। किस किस को पोस्तो, आलू पोस्तो, झीका पोस्तो पसंद है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये दे दिया है, अब मैं ढक्कन लगा दूँगी और यहाँ पे फिश को मैं फ्राई करूँगी। ये जो हेड्स है ना, ये हेड्स मैं यहाँ पे, एक छोटी सी बिल्ली है उसके लिए मैं रखी हूँ अलग से, उसके फ्राई करके दूँगी। और पूरा किचन मेरा देखिए पूरा मैसी हो रखा है। इशिका का कल टेस्ट है तो अभी मैं लेके बैठी हूँ, अभी खाने से पहले अभी खेल रही थी तो मैंने बोला लिख लो थोड़ा सा। तो की होबे अखन एटा पोड़े बोलो आमाके, बोलो ए बी सी डी एफ लिखो। भूल ही जाती है, जितना भी सिखाओ बीच बीच में उसको मिसिंग हो जाता है। तो घर का सारा काम कर लिया है, झाड़ू पोछा जितना भी लगाना था, सुबह मैंने पोछा लगा लिया था और अभी झाड़ू लगा लिया है। और इशिका का खाना हो गया है और ये रहा मेरा चटनी आलू जी का पोस्तो। और यहाँ पे मैं फ़िश को फ्राई करने वाली हूँ, अभी भी नहीं हुआ है क्योंकि इशिका को पढ़ा रही थी। और यहाँ पर दाल को मैंने छौंका लगा लिया है घी और जीरे से, जी घी घी जीरा और हींग से। लगभग मेरा हो गया है, बुला रही है आस्ती दाड़ा। तो लास्ट कुछ दिनों से कम वीडियो डाल रही थी क्योंकि घर में आए थे मेरे मम्मी पापा जी, तो उनको थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश कर रही थी। तो आज चले जा रहे हैं, बस छोटा सा एक प्यारा सा क्लिप रखा है नानी के साथ खाना खाते हुए। तो आई होप ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा।